गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शिक्षा का स्तर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें दो पात्र बनाए गए हैं, मिसेस साहनी और मिसेस स्वागत। दोनों लोग आज वर्तमान समय के शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कैसे गिरता जा रहा है, आजकल के विद्यार्थियों की क्या स्थिति, अध्यापकों की क्या स्थिति है, समाज किधर जा रहा है, आने वाला भविष्य कैसा होगा, इन बहुत सारी चीजों पर एजुकेशन से संबंधित चर्चा हो रही। जैसे मिसेस साहनी कहती है, आजकल शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, आजकल शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन गोइंग डाउन नाउडेज। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन गोइंग डाउन नाउ ए डेज। आजकल शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन गोइंग डाउन नाउ ए डेज। मिसेस सहगल कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूं, आज का एक स्नातक पहले के दसवीं पास के मुकाबले ठहर नहीं सकता। मिसेस सागर कहती हैं कि मैं आपसे सहमत हूं, आज का एक स्नातक पहले के दसवीं पास के मुकाबले ठहर ही नहीं सकता। यस, मैं आपसे सहमत हूं। यस, इवन ए ग्रेजुएट ऑफ टुडे, आज का स्नातक, इवन ए ग्रेजुएट ऑफ टुडे इज नो कंपैरिजन टू ए फार्मर मैट्रिकुलेट। इवन ए ग्रेजुएट ऑफ टुडे इज नो कंपैरिजन टू ए फार्मर मैट्रिकुलेट। मिसेस साहनी, यह सब अध्यापकों पर निर्भर करता है। मिसेस साहनी कहती है ठीक है, लेकिन यह सब अध्यापकों पर निर्भर करता है। पहले वे विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे, पहले वे विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, यह सब अध्यापकों पर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, पहले वे विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। इन द पास्ट, पहले They used to pay individual attention to the students. In the past, they used to pay individual attention to the students. मिसेस सहगल कहती हैं कि यह सब अध्यापकों पर निर्भर करता है। It all depends on the teachers. पहले वे विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। In the past, they used to pay individual attention to the students. मिसेस सहगल वास्तव में वे सेवा भाव से ओतप्रोत थे। मिसेस सहगल कहती है वास्तव में वे सेवा भाव से ओतप्रोत थे और विद्यार्थियों की अच्छाई में रुचि लेते थे। In fact, they were devoted, समर्पित थे। In fact, they were devoted, या they were conscientious and took interest in students' welfare. Students' welfare, विद्यार्थियों की भलाई, विद्यार्थियों के कल्याण। जब मिसेस साहनी कहती हैं कि यह सब अध्यापकों पर निर्भर करता है, पहले वे विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। It all depends ऑन the टीचर्स। इन द पास्ट, पहले यानी अतीत में, दे यूज टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। मिसेस सागर कहते हैं वास्तव में वे सेवा भाव से ओतप्रोत थे और विद्यार्थियों की अच्छाई में रुचि लेते थे। इन फैक्ट दे वर डिवोटेड, इन फैक्ट दे वर डिवोटेड and took interest in students' welfare, अथवा in fact
they were conscientious and took interest in students' welfare, वह विद्यार्थियों के कल्याण के लिए विद्यार्थियों की भलाई में रुचि लिया करते थे। मिसेस सहानी कहते हैं विद्यार्थी भी तो अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार और अपने अध्यापकों के प्रति आज्ञाकारी थे। यानी विद्यार्थियों के ऊपर भी कमेंट उठ रहे हैं कि विद्यार्थी भी तो उस समय अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार थे और अपने अध्यापकों के प्रति आज्ञाकारी थे। स्टूडेंट्स वेयर आल्सो ओबीडियंट टू देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स वेयर आल्सो ओबीडियंट टू देयर टीचर्स एंड फेथफुल टू देयर स्टडीज। विद्यार्थी भी तो अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार और अपने अध्यापकों के प्रति आज्ञाकारी थे। स्टूडेंट्स वेयर आल्सो ओबीडियंट टू देयर टीचर्स एंड फेथफुल टू देयर स्टडीज। मिसेस सहगल कहती हैं और आजकल उन्हें पढ़ाई का तो कुछ पता ही नहीं, कमेंट करते हैं मिसेस सहगल, और आजकल तो उन्हें पढ़ाई का तो कुछ पता ही नहीं, यानी पढ़ाई के विषय में आजकल कुछ नहीं जानते, पर सीने जगत के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं। मिसेस सहगल कमेंट करते हैं और आजकल उन्हें पढ़ाई का तो कुछ पता ही नहीं, पर सीने जगत के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं। एंड नाउडेज दे हार्डली नो एनीथिंग अबाउट देयर स्टडीज। एंड नाउडेज इन दिनों दे हार्डली नो एनीथिंग अबाउट देयर स्टडीज बट नो ए लॉट अबाउट सीने वर्ल्ड। एंड नाउडेज दे हार्डली नो एनीथिंग अबाउट देयर स्टडीज बट नो ए लॉट अबाउट सीने वर्ल्ड। मिसेस सहानी वाकई पढ़ाई में तो उनका बहुत बुरा हाल है। मिसेस सहानी कहती है वाकई पढ़ाई में तो उनका बहुत बुरा हाल है। रियली दे आर नो गुड इन देयर स्टडीज। मिसेस सहानी कहती है वाकई रियली पढ़ाई में तो उनका बहुत बुरा हाल है। रियली दे आर नो गुड इन देयर स्टडीज। मिसेस सहगल क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में रुचि लेते ही नहीं। मिसेस सहगल कहती हैं क्योंकि वे यानी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि ही नहीं लेते। बिकॉज दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। बिकॉज क्योंकि दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। मिसेस सहगल कहती हैं क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में रुचि लेते ही नहीं। बिकॉज दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। मिसेस सहानी अध्यापक भी तो नहीं लेते, वे तो केवल पैसा बनाने में रुचि रखते हैं। मिसेस सहानी अध्यापकों पर भी कमेंट कर रही हैं कि अध्यापक भी तो रुचि नहीं लेते, वे तो केवल पैसा बनाने में रुचि रखते हैं। इवन द टीचर्स अध्यापक भी तो नहीं लेते, मतलब इवन द टीचर्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज। दे ओनली वांट टू मेक मनी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर, वर्तमान विद्यार्थियों के ऊपर इस वार्ता के अंतर्गत कैसे कमेंट किए गए हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों की क्या हालात है, वे आज्ञाकारी नहीं है, अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, पढ़ाई के अलावा अन्य सभी चीजों में वो रुचि लेते हैं, अध्यापकों की भी हालात है वो केवल पैसा बनाने में रुचि लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देते, उधर विद्यार्थी भी अध्यापकों का सम्मान नहीं करते, अब बहुत सारी बातें। और इस तरह से आधुनिक समाज के अंतर्गत शिक्षा का स्तर
बेहद गिरता चला जा रहा। तो इस तरह से अगर शिक्षा के ऊपर आपको भी वार्ता करनी हो, कोई आपसे सहभागी है उसके साथ, तो आपको भी ऐसे ही हिंदी में जो बातें आप जानते हैं वर्तमान शिक्षा के स्तर को, उसको इंग्लिश में बनाकर बोलना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जब अभी से आप अपने पार्टनर के साथ उसका अभ्यास करना शुरू करें। विभिन्न विषयों पर जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे ही आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू।